आओ सर आओ राम मंत्री साहब ठीक हो जय श्री राम सर भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद गोपाल महाजन जी जिंदाबाद राजेश मेहता जी जिंदाबाद आशानंद जी जिंदाबाद जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद मोदी साहब जिंदाबाद आज साडे विच और सात बतालियां आशानंद जी साडे मंडल दे प्रभारी उंदे वास्ते भी जोरदार अभिनंदन करना और अज एक पार्टी दी विचारधारा दी गल होनी है तुहाडीआं गल्लां सुननीआं ने तुसीं कोई समस्या अपनी समस्या दस्स सकदे हो सर एक कोई बड़ा वड्डा प्रोग्राम नहीं है एक आपस दी घरेलू मीटिंग ये गल्लबात करे करदे न इस वास्ते कोई भी समस्या अपनी दस्सी सकदे हो और साडे विच तुहाडी समाधान भी करनगे और सब तो पहले साडे सरदार हरवंश मैं उन्हां अगे बेनती करना के दो विचार अपने दो मिनट अपने विचार रखन इतने कीड़िया ग्रां का बिच आए हाँ पहले तो मैं तुम्हें सारे की इतों की मुबारक देंग कि एडा बड़ा जरा थोड़ा अस जरा मेरा ब्रिज बने दा पहला अस आते हे तो इतने पैदल आने पौंदा लेकिन यह तुसें गी सारे लोकें गी मुबारक है और यह सच्चाई है कि जेड़े जेड़ा आदमी ज़्यादा काम करता उनके को अपेक्षा भी ज़्यादा होंदियाँ जियां भारतीय जनता पार्टी ने एडा बड़ा काम किया है एडा बड़ा ब्रिज बनाया माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने तो अगर वायदा किया थोड़े ने नवाया इं ही तुसें लोकें की और उम्मीदा बड़िया ने जियां साढ़े प्रधान जी चतर जी आख्या करते हैं कि जियां अज पंचायतें की इन्ना सशक्त किते दा इस बीजेपी सरकार ने इस मोदी सरकार ने कि हर पंचायत काफ़ी सारा पैसा वह करता है जिहड़ा डिवेलपमेंट वास्ते है जिहड़ी उत्थां दी पंचायत बैठी है काम करवाएगी लोगों का जिहड़ा केंद्र सरकार दी नीतियां ने जिहड़ियां प्रदेश सरकार दी नीतियां वो तो है ही हैं लेकिन जिहड़ी पंचायत उहदे कन्ना मैं तीन गुणा होर ज़्यादा काम होना हाँ क्योंकि जिहड़ा 50-60-70 लाख रुपया पंचायत दे विच आया करता है वह भी तो इस पंचायत लगना है लेकिन वह भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे किन्ना ज़्यादा गति पकड़ी ही काम है तो इस आस्ते मैं तुसें आखंग अज काफी सारे भाई अपना पूरा समय देइए ते मैं इन्नी गल आखंग कि अज दा पूरा दिन प्रभारी साहब गी इत्थे देने पड़ा भारतीय जनता पार्टी दे समर्थक इस ग्रामी नौजवान साथी निक्के बच्चे भी आने ते ये छड्या कख नहीं ने प्रधान आस्ते लेकिन जिम्मेवारी बंदी है कुछ ते गलाने पड़ा अज मिगी याद आंदा ओ दिन जिसले 2014 दे विच मैं जिले दा महामंत्री हुंदा हां मेरे अध्यक्ष जिला के अध्यक्ष जी बीजे जी होते हैं उनके कन्ने थोड़े इस गली मिगी याद है कि डॉक्टर साहब जिले इतने आए तुसे सारे बड़ा भव्य स्वागत किया है तो अरवंश सर माइक फड़ लिया भी सारे को पहले गल मैं कर अज जी है ना गल सारी नहीं करनी तो अरवंश सर उसने गलाया है भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तुस सारे एम पी बनी ना असें सानू वोटा दोनों भरिए इतने वोटा पाइए देनिया गल है भी सिर्फ एक पुल जोड़ा है ना सा बनना चाहिए क्योंकि अस जिस वेले कठुए जाना तो को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपने देखा अभी हम लोग कीड़िया गंडियाल पे पहुँचे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरे साथ हमारे इस मंडल के प्रेसिडेंट चतर सिंह साहब और हमारे इस मंडल के जो प्रभारी हैं आचरण खजूरिया जी हमारे ज़िला के उपाध्यक्ष हैं और मेरे छोटे भाई और इस ज़िला के महामंत्री राजेश मेहता साहब जो वर्तमान में अभी पार्टी ने विस्तारक के रूप में भी इनको जिम्मेवारी दी है और यहाँ पर उपस्थित जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आप देख रहे हैं हरवंश जी हैं जोगिंदर जी हैं केवल जी हैं दर्शन जी हैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ हम लोग आए हैं हमारी जो पूरी टीम है बीजेपी की यहाँ पर पहुँची है और पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दिशा निर्देश है कि हम लोगों को लोगों के बीच में लगातार रहना है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी समाज को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जरूरत रहती है और हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है लोगों की बेहतरी के लिए समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है और आज हम लोग अभी कीड़िया गंडियाल में पहुँचे हैं इसके बाद हम लोग जराई जाने वाले हैं जराई के बाद हमारा कार्यक्रम सैदपुर में रहेगा और लगभग ऐसे दर्जनों
गांव में हम लोग आज जा रहे हैं और हमारी पूरी टीम जो है और इस मंडल में पार्टी की ओर से ये योजना बनी है कि हम लोग आज और कल का दिन इस मंडल में रहेंगे। आने वाले समय में जो बाकी जिला में हमारे जो मंडल हैं, 8 मंडल हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, और दो दो दिन का कार्यक्रम जो है जिला प्रेसिडेंट के साथ पूरी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो लोगों के बीच में जाएगी और लोगों की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम करेगी। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, उनका भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में दौरा होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ जिस तरह से आप लोगों ने पिछले चुनावों में, DDC चुनावों में, MLA चुनावों में, हमारे जो MP के चुनाव हुए उसमें भी आप लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों ने बहुत ही विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया है। और आज मैं ग्राउंड लेवल पर आके मुझे ऐसा विश्वास है और लोगों की कहीं ना कहीं लोगों के जो आशीर्वाद पहले भी भारतीय जनता पार्टी पर था और आज भी लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर ही विश्वास है, ऐसा यहाँ पर जो लोगों के साथ बातचीत करके रूबरू होकर हम लोगों ने पाया है। और आने वाले समय में हम भी पूरी जो हमारी ज़िला की टीम है पूरी कोशिश करेगी लोगों के बीच में जाकर लोगों की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए हम लोग काम करें ईमानदारी से। ऐसा हमने आज इस गांव में दौरा किया और इस गांव के मैं कहूँगा एक ऐतिहासिक गांव है हमारा। मुझे याद है कि एक समय जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी 2014 में चुनावों के बीच में यहाँ पर आए थे, तीन लोगों ने ये समस्या जाहिर की थी कि हम लोग कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में रहते हुए भी जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं लगते हैं, क्योंकि हम लोगों को घूम के जाना पड़ता है, पंजाब से होकर जाना पड़ता है। और इन लोगों ने उस समय पूल की जो डिमांड करी थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में वो डिमांड जो है वो पूरी की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का इन लोगों ने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है और हर समय भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे ऐसा इनका विश्वास भी है। और भारतीय जनता पार्टी पर इनको विश्वास के साथ साथ हमारे भी जो कार्यकर्ता है, जो सीनियर लोग हैं, वो खीड़िया गंडियाल के लोगों को मैं कहूँगा अपना बहुत मानते हैं। तो आज मैं अपनी तरफ से इनको एक बार फिर से पार्टी की तरफ से कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी जो इन लोगों ने जो समस्या बताई है उसका भी किसी न किसी तरीके से हम जल्दी निवारण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।